शिक्षकों की बहाली हुई थी अध्यक्ष महोदय, उसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र, ये दो विषय के गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय हजारों शिक्षकों का रिजल्ट आ गया अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद दो दो बार ओपिनियन लिया गया अध्यक्ष महोदय एजी से, एजी ने एक बार रिपोर्ट दिया कि नहीं इन लोगों का नियुक्ति किया जाना चाहिए, नियुक्ति प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ होने वाली थी अध्यक्ष महोदय, फिर रानी कुमारी बनाम स्टेट के कोर्ट के रिफरेंस देकर के फिर महाधिवक्ता की राय ली गई अध्यक्ष महोदय, और हजारों शिक्षकों का भविष्य आज अंधकार में डाल दिया गया अध्यक्ष महोदय, और उस पर फिर से रोक लगा दिया गया अध्यक्ष महोदय, तो ये पूरे प्रदेश का विषय है अध्यक्ष महोदय, गैर अनुसूचित पूरे संक्षेप। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम सरकार को सिर्फ ये कहना चाहते हैं, नहीं अध्यक्ष रानी कुमारी वर्सेज स्टेट में अध्यक्ष महोदय देख लिया जाए उसका जजमेंट, कहीं भी गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिजल्ट पर रोक नहीं लगाया गया है, ना ही उनकी बहाली पर रोक लगाई गई है। ठीक, ये पता नहीं सरकार कैसे कैसे काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। ठीक ठीक है भानु जी, अपने आप माननीय सदस्य राजेश कश्यप जी माननीय सदस्य बहुत ध्यानाकर्षण की सूचना, इतना लंबा है और सारे सूचना आप ही लोग माननीय सदस्यों का है, कृपया थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। राजेश कश्यप जी, अध्यक्ष महोदय बट क्योंकि आज ठीक है लेंगे आप लोगों को लेंगे बट अध्यक्ष महोदय क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो गया है, इसलिए माननीय सदस्य इसमें पूरा पूछे पूरा। मैं सिर्फ इतना मांग कर रहा हूँ सदन के माध्यम से महोदय कि इसमें विधानसभा का एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दिया जाए महोदय, उसमें जांच किया जाए। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय इसमें कमेटी बनाने की बात नहीं है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें संज्ञान लिया हुआ है, और ये सिर्फ HSC का नहीं है, पूरे राज्य की मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय सदस्य नीलकंठ जी का ध्यानाकर्षण के समय में उन्होंने बात स्पष्ट कहा है, पूरे राज्य का इसी तरह का समीक्षा किया जाएगा, इसमें अभी कमेटी बनाने की कोई हमको उचित नहीं। ठीक हो गया महोदय अध्यक्ष महोदय मान्य सदस्य महोदय, जब मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट के से निर्णय हो चुका है तो उनको थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए महोदय, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। महोदय मैं इतना कहना चाहता हूँ महोदय, बोलिए, कि आपके आंख के सामने महोदय ये जो आदिवासी लैंड का ट्रांसफर गलत तरीका से हुआ है महोदय, और आज वहाँ के जो विस्थापित है दर दर ठोकर खाने को मजबूर है महोदय, और एक साइट में गलत परंपरा यहाँ पे कंपनी के द्वारा HSC के द्वारा ये कराया जा रहा है, वो रैयतों का जमीन को ट्रांसफर कर रहा है, जो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है महोदय। आज जिस प्रकार माननीय राजेश जी आपके पूरा विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेकर के उसके निराकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको मदद करना चाहिए। हो गया, नीलकंठ सिंह मुंडा जी, माननीय सदस्य नीलकंठ सिंह मुंडा जी, हो गया उनका पल। आप नवीन जी क्या होगा, विस्थापितों का बात है, तो बात तो आ रहा है बात, वही ना मंत्री जी बोली फिर आप कैसा टेढ़ा जवाब करिएगा, टेढ़ा जवाब करने का क्या तरीका है आपके पास बताइए। वो तो बोले ना मुख्यमंत्री जी संज्ञान में, उनका सूचना सदन को दे दिए कि मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले लिया है, जांच करवा रहा है, तो माननीय मंत्री जी इसमें और कुछ बोला आपको अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत ज्यादा फिर माननीय चार सदस्य आप लोग इसी पर खड़े हैं, माननीय सर इसी पर खड़े हैं चीज पर। अच्छा एक मिनट दीपक जी, उनका सूचना देने दीजिए, अब सब प्रश्नों में आप लोग सूचना देने हो जाते हैं, अब आसन को समझ में नहीं आ रहा है किस प्रश्न के साथ है, या आप अपना बात बोलने के लिए खड़ा है, दिक्कत हो जाता है, क्या सूचना है आपका अध्यक्ष महोदय? व्यवस्था के मान्य सरस पट अध्यक्ष महोदय व्यवस्था के अंतर्गत मैं, अरे खड़े हो जाते हैं तो अब क्या करें, बट निकट बाबा आपका नाम मैंने पुकारा है, आपका नाम हम बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आपको पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं माननीय मंत्री जी, एक मिनट दीपक जी, माननीय सदस्य
ये राजेश कच्छप जी का सवाल है और इसमें सिर्फ सुनिए एक मिनट नवीन जी संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल माने यानी हम अपने आसन अपने आप को असहाय की स्थिति में कहाँ पाता है। प्रश्न यह है कि ध्यानाकर्षण की सूचना है और ध्यानाकर्षण का सूचना माननीय राजेश कच्छप जी का है। अब सारे सदन के लोग अगर उसी ध्यानाकर्षण पर पूरक प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे तो फिर आसन आपको कहाँ तक मदद कर सकता है माननीय नवीन जी? हम जवाब दिलवाते माननीय मंत्री जी, आप फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर से रिपीट कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, राजेश जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये जिस दिन ध्यानाकर्षण जो आया था उसी दिन से ये प्रश्न का स्थगित होते जा रहा है और जवाब उसी तरह से ही दिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन माननीय नीलकंठ जी का जो ध्यानाकर्षण हुआ था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है ये सिर्फ HEC का नहीं है, पूरे राज्य का मामला है और इसमें समीक्षा हो रहा है, जहाँ जहाँ गड़बड़ी हो उन्होंने स्वीकार हमने ने सरकार ने स्वीकार किया, उसका जाँच होगा, जाँच अपराध इस तरह से कार्य को निष्पादन किया जाएगा, इसमें कमेटी की बात नहीं कहा जा रहा। ओके राजेश जी, नीलकंठ जी आप अध्यक्ष महोदय माननीय नीलकंठ जी पूछिए, फिर सब आदमी खड़ा हो गए। अच्छा नीलकंठ जी का भी बात तो सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय आवाज ठीक से नहीं आ रहा। अध्यक्ष माननीय सदस्य नीलकंठ जी का बात सुन। अध्यक्ष महोदय नीलकंठ जी, अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष लोग मान्य सदस्य बैठिए आप लोग बैठिए ना, नीलकंठ जी को पूछने दीजिए नीलकंठ जी को पूछने दीजिए, मैं पूछिए। अध्यक्ष महोदय हम पूछना चाह रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष लोग पूछने देते हैं। ठीक है आप पूछिए नीलकंठ जी। अध्यक्ष महोदय इससे बेहतर वातावरण तो अमित बखते नीलकंठ जी। अध्यक्ष जी पूछिए, मान्य सदस्य पूछने दीजिए, नीलकंठ जी को भी पूछने दीजिए। मान्य सदस्य बैठ जाइए। राजेश जी बैठ जाइए। आसन से नीलकंठ सिंह जी का नाम पुकारा गया है, मान्य सदस्य आप भी जानते हैं, मान्य सदस्य खड़े हैं, फिर आप लोग क्यों उस पर चर्चा करते हैं? बैठिए मान्य सदस्य, बैठिए। उधर बैठाई किधर हम बैठे हैं नीलकंठ जी, सारे तरफ से तो सारे लोग खड़े हैं, राज सिन्हा जी तो कब से खड़े हैं, बैठिए नाम जी राज सिन्हा जी सवाल पूछने के लिए खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय बिल्कुल बिल्कुल ये मान्य सदस्य आपसे आप मंत्री जी का जवाब आपको दिलवा दिए मंत्री जी का जवाब दिलवा आप लोग आसन पर जाए मान्य सदस्य आसन पर जाए। मान्य सदस्य नीलकंठ जी को हमने पुकारा, नीलकंठ जी को पुकारा वो पूछने के लिए खड़े भी हो गए हैं, आप लोग उनको पूछने नहीं दे रहा है, नीलकंठ जी का जिज्ञासा शांत करने दे नहीं रहा आप लोग।
माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप लोग आसन पर जाए। माननीय सदस्य पूछते हैं कर रहे हैं। अब उस सवाल में माननीय सदन नेता मुख्यमंत्री संज्ञान ले चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह चाहे वो जांच कराएंगे। और सिर्फ HEC का सवाल नहीं है, पूरे राज्य का सवाल है। और आज सही में ये 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 सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में सरकार का दृष्टि को देखना चाहिए माननीय सदस्य। सभा का कार्यवाही 12:45 के लिए स्थगित की जाती है। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे इस समय विधानसभा की और सदन की कार्रवाई 12:45 तक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र चल रहा है, झारखंड विधानसभा की यह सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और HEC से विस्थापित जो रैयत है उन्हें इंसाफ की मांग को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा भी देखने को मिला है। तो ब्रेकिंग खबर इसमें बता दें आपको कि सदन की कार्यवाही 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और सदन की कार्यवाही 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस समय की यह ब्रेकिंग खबर। तो विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे झारखंड विधानसभा की जहां सदन की कार्रवाई चल रही थी और फिलहाल सदन की कार्रवाई 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई है।